आदि विद्यालय चित्रवार की छात्राएं वेस्ट मटेरियल से बहुत ही सुंदर चटाई का, बहुत ही अच्छी चटाई का निर्माण करती हुई, और इन्होंने ये कला अभी सीखी है और उसका एक सुंदर नमूना आपके सामने प्रस्तुत है। और ये बता रही कौशिकी द्विवेदी कक्षा 6 की छात्रा, आप बताएं क्या सीख रही हैं? चटाई बुनना। चटाई बुनना, क्या क्या मटेरियल प्रयोग किया जा रहा है इसमें? इसमें कूड़े कचरे का, कूड़े कचरे से जो रस्सी मिली है ये टाइल्स में लगाने वाली जी, टाइल्स की पैकिंग के लिए जी, उसका प्रयोग किया जा रहा है जी। और बहुत तेजी से चटाई, कितने देर लगी बेटा? सुहानी बता कितने देर से बुन रही हैं? 2 मिनट। 2 घंटे? 2 मिनट से। 2 मिनट से और इतनी बड़ी चटाई नहीं बुन डाली? अरे वाह, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग मिल करके एक साथ समूह में काम कर रहे हैं। हाँ, कैसा लगता है समूह में काम करना? बहुत अच्छा लगता है। जल्दी सीखते हैं देर से? जल्दी से। अच्छा, इनका कहना है कि समूह में अगर हम काम करें तो काम भी अच्छा होता है और हम उस काम को जल्दी सीख जाते हैं। शाबाश, आपके लिए ताली बजाएं भाई, सही बच्चों के लिए। और ये तीसरी टीम है जिसमें ये 4 बच्चियाँ बहुत सुंदर चटाई बना रही हैं, और ये भी उसी रस्सी का प्रयोग किया है इन्होंने। और इसकी टीम लीडर कौन है? विशाखा। विशाखा द्विवेदी हैं। ठीक ठीक, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? इधर देखो, कौन सी कक्षा में पढ़ रही हैं? 6 में पढ़ रही हैं। और ये चटाई बुनने की कला आपने कहाँ सीखी? स्कूल में सीखा। ठीक ठीक, तो इसको कितनी बड़ी बनाने की योजना है आपकी? कितनी बड़ी चटाई बना सकती हैं आप? जितनी रस्सी होगी मतलब बड़ी ही बनाई जा सकती है जी। जैसे टाट होते हैं जी, है ना जी। तो इस क्या करेंगे फिर इसका? फिर इसका प्रयोग बैठने में करेंगे। इसका प्रयोग बैठने में करेंगे, घर ले जाएंगे, विद्यालय में रह गए? विद्यालय। अच्छा, आप विद्यालय के लिए बना रहे हैं? चलिए, विद्यालय के लिए बच्चे काम कर रहे हैं और इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, जरा इनके लिए ताली बजाएं।